द जिराफ। ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द पोएम द जिराफ विच इज रिटन बाय ऑलिवर हरफोर्ड। लेट्स स्टार्ट। विच एनिमल ईट्स लीव्स फ्रॉम ट्री टॉप्स दैट बियर्स एंड एलिफेंट्स कांट रीच? Which part of its body help it to reach the tree tops? देखिए, which animal eat leaves? कौन सा ऐसा जानवर है जो ट्री के टॉप पर से, यानी ट्री के सबसे ऊंचाई पर से, जहाँ पर कि बियर और एलिफेंट नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर से पत्तियाँ खाता है, eat leaves? And which part of its body help it to reach the tree tops? और उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट आपको ट्री टॉप तक पहुँचने में हेल्प करता है? तो स्टूडेंट्स, this animal is giraffe and its long neck help it to reach at the tree tops. Okay, now let's start reading the poem. See the giraffe, he is so tall, there is not room to get him all upon the page. His head is higher, the picture proves it, than the spire. That's why the people, when they race to catch him, call it steeple chase. His chief delight it is to set a good example, shine or wet. He rises ere the break of day and stands his breakfast right away. His food has such a way to go, his thoughts so very long and so. An early breakfast he must munch to get it down ere time for lunch. Okay students, listen, this poem is all about a giraffe. Okay, सी द जिराफ, इस जिराफ को देखिए, ही इज सो टॉल, ये बहुत लंबा है, जिराफ बहुत लंबा है। देर इज नो रूम टू गेट हिम ऑल, और इसके लिए ऐसा कोई रूम नहीं बना जहाँ ये पूरा का पूरा आ जाए। देर इज नॉट रूम टू गेट हिम ऑल, जहाँ हम इसको अंदर पूरा का पूरा अंदर बुला सकें। अपॉन द पेज हिज हेड इज हायर, यानी कि आपके पेज पर भी उसका पूरा फेस नहीं आ पा रहा है। देख रहे हैं ना, आपके पेज पर भी जिराफ का पूरा हेड नहीं आ पा रहा है, इससे भी हाइयर है जिराफ का हेड, आपके पेज से भी हाइयर है जिराफ का हेड। द पिक्चर प्रूव्स इट देन द स्पायर, और ये जो पिक्चर है ये प्रूव कर रही है कि जो इसकी जो नेक है वो इस स्पायर से, स्पायर होता है स्टूडेंट्स शार्प पॉइंटेड एज ऑफ अ लॉन्ग बिल्डिंग, जैसे कि ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मीनार है, इसकी ऊंची सी चोटी है, तो इसका जो जिराफ का हेड है ये इससे भी हायर है ना। अपॉन द पेजेस हेड इज हायर, द पिक्चर प्रूव्स इट देन द स्पायर, ये पिक्चर प्रूव करती है कि जो इसका हेड है वो स्पायर से भी ऊंचा है। दैट्स वाई द पीपल व्हेन दे रेस टू कैच हिम कॉल इट स्टेपल चेज, यानी कि वो लोग जो इसके साथ रेस करते हैं, ये पिक्चर प्रूव करती है कि वो लोग, मतलब ये लोग जो लोग उसके साथ रेस करते हैं वो ऐसा पाते हैं कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ रन करना बहुत मुश्किल काम है। स्टेपल चेज मीन्स, यानी कि एक ऐसी रेस होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को जंप करना होता है फेंसेस के ऊपर से, वाटर के ऊपर से, तो इसको चेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से सबने इसको क्या नाम दे दिया है, स्टेपल चेज। हिज चीफ डिलाइट इट इज टू सेट अ गुड एग्जाम्पल शाइन और वेट, यानी कि His chief delight, यानी कि इसका जो है खाने का टाइम बिल्कुल सेट है, यानी कि हमारे लिए गुड एग्जाम्पल है। शाइन और वेट से मतलब है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये अपनी बात का पक्का है। कैसे? He rises at the break of day and starts his breakfast right away, यानी कि एर होता है बिफोर, यानी कि सुबह होने से पहले, पूरी तरह से सुबह होने से पहले ये टाइम से उठ जाता है। एंड स्टार्ट्स हिज ब्रेकफास्ट राइट अवे, और सुबह टाइम से अपना जल्दी ही खाना खा लेता है।
His food has such a way to go, his throat so very long and so. क्योंकि इसको ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका जो खाना है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टमक तक पहुँचने में, क्योंकि इसका जो नेक है, इसका जो थ्रॉट है, ये बहुत ही लंबा है. बहुत लंबा होने की वजह से इसका स्टमक तक खाना पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है. एन अर्ली ब्रेकफास्ट ही मस्ट मंच टू गेट इट डाउन एयर बिफोर टाइम फॉर लंच. एयर मीन्स होता है स्टूडेंट्स बिफोर, यानी कि सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट खाता है. ये किस लिए खाता है? ताकि इसकी नेक बहुत लॉन्ग है और ताकि लंच टाइम तक वो खाना इसके स्टमक तक पहुँच जाए. लंच टाइम से पहले पहले वो खाना इसके स्टमक तक पहुँच जाए और फिर ये लंच टाइम में अगेन खाना खा सके अपना स्टमक फिल करने के लिए. तो जिराफ हमारे लिए गुड एग्जांपल हो सकता है. शाइन एंड वेट से यही मतलब है कि चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान आए, चाहे सूरज निकले, कुछ भी हो, पर जिराफ अपने टाइम का पक्का है. क्योंकि उसको पता है अगर वो जल्दी खाना नहीं खाएगा तो दोपहर तक भी उसके पेट में खाना नहीं पहुँचेगा और उसको ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा. तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट जिराफ. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. नाउ योर होमवर्क इज़ टू लर्न द पोएम योर सेल्फ. Now watch word meaning. First is word meaning. One is spire. Spire means the sharp pointed edge of a tall building. Steeplechase, a race in which participants jump over fences, water and so on. यानी एक रेस जिसके अंदर participants को jump करना पड़ता है fences इस type से लगे होते हैं जिनके ऊपर से जंप करके जाना होता है. एंड वाटर या पानी है रास्ते में, इसके ऊपर से जंप करके जाना है. और ऐसे कुछ भी तरह की चीज़ें, हर्डल रेस जिसमें कि आपको जंप करके जाना पड़े, लॉन्ग जंप लेकर जाना पड़े. एयर होता है ओल्ड इंग्लिश यूजेज बिफोर, यानी बिफोर को हम एयर भी बोलते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट दिस पोएम इज़ क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.